तो बात करेंगे टाटा स्टार कार्ड सिलेक्ट के बारे में, ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए काफी बेनिफिशियरी हो सकता है। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है इसकी क्राइटेरिया, डिटेल में बात करूंगा वो भी लाइव प्रूफ के साथ। मेरे दोस्त वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी फाइनेंस रिलेटेड तमाम सारी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चले चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हो मोबाइल स्क्रीन पे SBI सिंपली सेफ प्रो कार्ड, ठीक है, जिसके ज्वाइनिंग फीस 499 प्लस 18% GST है, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट 15,000 रुपये से लेकर के 5,00,000 तक मिल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अनसिक्योर कंडीशन में 3.5% और सिक्योर कंडीशन 2.75% पर मंथ लगेगा। वेलकम गिफ्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे। स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, 150 रुपये खर्च करने पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सिलेक्टर रिवार्ड पॉइंट की। 150 रुपये खर्च करने पर 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जब आप जो है डेनिंग एंड डिपार्टमेंटल स्टोर मूवी ग्रोसरी पे खर्च करते हैं। ध्यान रहे कि 4 रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपये होता है, जिसकी वैलिडिटी एक्सपायरी वैलिडिटी 24 मंथ यानी 2 साल होती है। स्पेंड बेस्ड रिवर्सल यानी साल में 50,000 रुपये अगर आप खर्च कर लेते हैं तो आपकी एनुअल फीस माफ़ हो जाती है। माइलस्टोन कुछ भी नहीं मिलता है, लॉन्च एक्सेस कुछ भी नहीं मिलता है, प्रायोरिटी पास कुछ भी नहीं मिलता है। फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे 500 रुपये से लेकर के अगर 3,000 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, 1% का जो फ्यूल सरचार्ज होता है वो आपको वापस हो जाता है। इस तरीके से मंथ में 100 रुपये और साल में 1,200 रुपये की आप बचत कर पाएंगे। अदर बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, अर्थात वाईफाई जो है फीचर्स मिल जाते हैं। अप टू 3 एडन कार्ड, कहने का मतलब यह है कि अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी अगर 18 साल से ऊपर है तो उनको क्रेडिट कार्ड आप दे सकते हैं इसी क्रेडिट कार्ड की वे पे, जिसकी लिमिट इतनी ही रहेगी जितना इसकी रहेगी। साथ ही साथ मेरे दोस्तों उसकी ज्वाइनिंग फीस, एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, उसका जो भी बिल बनेगा वो आपको ही भरना पड़ेगा। दोस्तों बात करें अगर क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए। अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर के 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी से होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं तो, अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है मेरे दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए। वहाँ पे 3 लाख का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल पर पेपर होगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.6 लाख यानी 3,60,000 रुपये का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए, ठीक है, यानी बैंक जो अपना बैंक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए, साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस कार्ड के बिहेव पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों RC सर्टिफिकेट, यानी आपके पास कोई भी कार है, यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास 4-व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका RC और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आपने जाना टाटा स्टार कार्ड सिलेक्ट के बारे में। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके अप्लाई कर सकते हो। ऐसी तमाम सारी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।